हरियाणा के बहादुरगढ़ इलाके के गांव मेहंदीपुर डबौदा स्थित नामचर्चा घर से शनिवार रात जेल में बंद गुरमीत राम रहीम सिंह के कपड़ों समेत कई कीमती सामान भी चोरी हो गए। पता चला है कि चोर दीवार फांदकर घुसे अंदर बने कमरे का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम देने के बाद चोर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बता दें कि राम रहीम इन दिनों सुनारिया जेल में दुष्कर्म के आरोप में 20 साल की कैद काट रहा है, जब उसे पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया तो उसके बाद भड़की हिंसा और बाद में हाई कोर्ट के डेरे की संपत्ति अटैच करने के ऑर्डर के मद्देनजर इस नाम चर्चा घर समेत हरियाणा के तमाम नाम चर्चा घरों को सील कर दिया गया था। इसी बात का फायदा उठाकर चोरों ने यहां चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। नाम चर्चा घर में चौकीदार के तौर पर कार्यरत डाबोदा निवासी जयपाल 25 अगस्त के बाद से सुबह शाम अंदर जाकर देखभाल करता था। 29 सितंबर रात 8 बजे जयपाल ने सब कुछ ठीक ठाक देखा। वह 30 सितंबर की शाम करीब 8 बजे जब वह अंदर गया तो अंदर कमरे का ताला टूटा था। 9 बजे के करीब डेरा अनुयायी प्रेम काटपालिया ने पुलिस के फोन पर घटना की जानकारी दी तो थाना इंचार्ज जसवीर सिंह ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी।